इंदौर शहर में दिव्यांग बच्चों व महिलाओं में छुपे आर्ट को बाहर निकालने व उनकी सहायता करने के उद्देश्य से शहर की एक संस्था द्वारा उन्हें पेंटिंग व हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखाया जाता है। इसी कड़ी में बच्चों व महिलाओं द्वारा बनाए गए आर्ट की एक कार्यशाला बीते दिनों प्रदर्शित की गई। संस्था प्रमुख डॉक्टर ज्योति गुप्ता ने बताया कि इंदौर के प्रीतमलाल दुआ सभागृह में एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें दिव्यांग बच्चों, महिलाओं व अन्य कलाकारों द्वारा बनाए गए आर्ट की प्रस्तुति की गई है, जिसमें विभिन्न तरह की पेंटिंग व हैंडीक्राफ्ट शामिल है। इन कलाकृतियों को देखने के लिए शहर के कई बड़े समाज सेवी व अन्य लोग कार्यशाला में पहुंचे। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक तरुणा आहूजा इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। संस्था कला संस्था है और इसमें स्कूल गोइंग लड़कियां भी हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी हैं और लेडीज भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं। मेरी संस्था का मुद्दा सिर्फ यह है कि लड़कियां और लेडीज अपने पैरों पे खड़ी हो सके, घर संभालते हुए भी वो अपना काम कर सके, उससे इंडिपेंडेंट बने। एक ईगो वाली बात नहीं होती है, एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। तो मेरा सिर्फ यही लड़की को संदेश है कि अपना काम सीखो, अपना काम करो। और साथ में हमारे इंस्टीट्यूट में हैंडीकैप बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन देते हैं, ताकि वो अपने स्वास्थ्य आए। हमारी जो चीफ गेस्ट थी आज करना हो जाओ, भी हैंडीकैप है, बोलने सुनने में आसान पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलती हैं इस तरीके से, लेकिन उसने बहुत अच्छी लाइफ पूरी है आर्ट का काम सीखा उसने मुझसे। और आप आज स्टैंडिंग पर है गवर्नमेंट जॉब में, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी समझ से हैंडीकैप लड़कियाँ भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, इसलिए मैं उनको आर्ट सिखाती हूँ। बच्चों में भी चाहे छोटे न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं जो 2-3 साल की उम्र में पेंसिल पकड़ना सीख लेते हैं, तो एक अंदर इनबॉर्न टैलेंट तो रहता है। आर्टिस्ट होते हैं पैदाइशी, हम ही पेरेंट्स इनको पढ़ाई के चक्कर में सप्रेस कर देते हैं कि पढ़ना ड्राइंग वगैरह छोड़ते हैं, सब बेकार लेगा। मेरे समझ से ये भी एक बहुत बढ़िया करियर है, और जो लड़कियाँ सीखती हैं और यहाँ पे बच्चे सीखते हैं वो अपनी लाइन खुद बनाते हैं, मैं उनको करियर काउंसलिंग करती हूँ, इसीलिए फिर मेरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग।